The Bible says, Bible कहती है, God blessed Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीषित किया. From the very first day, God desired to bless them. सबसे पहले ही दिन परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया. Because God is God of blessings. क्योंकि वो परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर. God who desired to bless you. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीषित करे. One day I was preaching in a conference. एक दिन जब मैं सभा में प्रचार कर रहा था. And the moment I finished my preaching. और जैसे ही मैंने अपने प्रचार को समाप्त किया. And I came down from the stage. और मैं मंच से जैसे ही उतरा. Lot of people came and they were asking me to pray for them. बहुत सारे लोग मेरे पास आए और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं. And I asked, what is your prayer request? और मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? And they said, Pastor, you pray for my exam. और उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप मेरे परीक्षा के लिए प्रार्थना. Some people said, pray that we want to buy a house. कुछ लोगों ने कहा कि आप मैं घर खरीदना चाहता हूं इसलिए प्रार्थना करें. Some people say, Pastor, we are struggling financially. You pray so we may grow financially. कुछ लोगों ने कहा कि हम धन को लेकर के बहुत संघर्ष में हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे धन के लिए. And I remember I could pray for 30-40 people according to their needs. और मैं चाहता था और मैं समझ सकता हूं कि वहां पे करीब 30 से 40 लोग होंगे जो चाहते थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं. But when they all went, और वो सब चले गए. I was sitting and listening from God. और मैं वहाँ बैठा था और परमेश्वर को सुन रहा था. And then God spoke to me. और वैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बात की. You prayed about 30-40 people. वहाँ पे करीब 30 से 40 लोग थे. You prayed for them. तुमने उनके लिए प्रार्थना किया. It's good. वो बहुत अच्छा था. You prayed for them to be blessed. तुमने उनके लिए प्रार्थना किया कि ताकि वो आशीषित हो सके. Let me ask you one question. लेकिन आप मुझे एक प्रश्न को समझाएं. What is your definition of blessings? आप आशीषों की परिभाषा से कैसे समझते हैं? How you will define blessings? आप कैसे आशीष को define करेंगे? What do you understand when you think about what do you think about blessings? What is blessings? आप क्या सोचते हैं कि वो आशीष क्या होती है? Let me tell you one story. मुझे आप एक कहानी से समझाने दें. Many years back, बहुत समय पहले, me and my wife, we planned for a car and we bought a car. कुछ साल पहले जब मैं और मेरी पत्नी हम कार को खरीदना चाहते थे और it was an old car, वो एक पुरानी कार थी. And we were so happy that God has blessed us with car. और हम बहुत खुश थे क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस कार से हमें आशीषित की. After 6-7 years, और कुछ 6-7 साल पहले, we decided to change car. और 6-7 साल बाद हमने ये निर्णय किया कि हम उस कार को बदल देंगे. So we took this car to a showroom to exchange this car with new car. और उस कार को हम जब लेके गए तो शोरूम में हमने उनको बोला कि आप इसके बदले में हमें नई कार दे दें. And they gave us new car. और उन्होंने हमें नई कार दी थी. But I asked one question to the manager. लेकिन एक प्रश्न मैंने वहाँ पे बैठे मैनेजर से पूछा. See now what you will do with this old car? कि अब आप इस पुरानी कार का क्या करने जाएंगे? And then he looked my old car. और फिर उन्होंने मुझे मेरी पुरानी कार को देखा. And then he smiled. और उन्होंने वो मुस्कुराए. And he said. और उन्होंने कहा. Sir, we will cut your car in 1,000 pieces. सर, हम आपकी कार को करीब 1,000 टुकड़ों में बांट देंगे. And we will throw to melt it. और हम इसको पिघलाने के लिए फेंक देंगे. He said, "We will cut your car in 1,000 pieces." उसने कहा कि मैं इसके करीब 1,000 टुकड़े करूंगा. It has no use. क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है. Because it's old car. क्योंकि पुरानी हो चुकी है. Now let me ask you one question. अब आप मुझे एक प्रश्न पूछने दें. When I received this car, कि जब मैंने इस कार को खरीदा था, I was rejoicing that God has blessed me with car. और मैं आनंदित था कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस कार से मुझे आशीषित किया है. But now, लेकिन अब, this car is no more. और अब ये कार नहीं है. Is the car is a blessing? क्या वो कार एक आशीष? No, that's not a blessing. वो एक आशीष. That's only a provision. वो सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत थी. That's only a provision. वो सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत थी. Many of us we come to Lord. कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं. To receive blessings from the Lord. हम परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं. But what is blessing in the sight of God? लेकिन परमेश्वर की नजर में वाकई में वो आशीष क्या है? Blessing in the sight of God is something different. वो आशीष परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भिन्न है. Let me read some verse for you. मुझे कुछ आयतों को पढ़ने दें. Book of Psalm chapter 29 verse 11. भजन संहिता उसका 29 अध्याय और 11 पद. यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा. यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा.
What is God's desire to give you? परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो आपको क्या देना चाहता है? What is blessing? वो आशीष क्या है? The peace of God. वो परमेश्वर की शांति. Have you ever thought about like that? क्या आपने कभी इस दिशा में सोचा है? Have you thought about to receive peace from the God? क्या आपने कभी इस दिशा में सोचा है कि परमेश्वर आपको शांति की आशीष देना चाहता है? There are hundreds of verses which talks about peace. May God bless you with His peace. यहाँ बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं जो परमेश्वर की शांति के विषय में बात करती हैं। Have you thought about the God's peace? क्या आपने कभी परमेश्वर की शांति के विषय में सोचा है? We all sitting here have some problems, challenges, sufferings, all kind of injustice, or so many things in our life. यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई चुनौती, समस्या और संघर्ष है। That's why Jesus came in this world. इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। He came to give you His peace. वो अपनी शांति आपको देने आए। You remember when Jesus was going? आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। He called His disciples. उन्होंने अपने चेलों को बुलाया। And said, I give you my peace. और बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। I give you my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें दिया चाहता हूँ। Peace which the world cannot give you, I give you my peace. ये वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती, मैं तुम्हें देता हूँ। God wants to bless you with His peace.